सीएम साय ने डोंगरगढ़ के प्रसाद में मिलावट पर कहा कि जांच के आदेश हुए हैं, जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस की न्याय यात्रा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आत्मचिंतन करने की जरूरत है। वहीं छत्तीसगढ़ के अधिकारियों कर्मचारियों के आंदोलन पर कहा कि सबकी समस्या का समाधान होगा। अब जहाँ तक डोंगरगढ़ की बात है, उसमें जांच का आदेश हुआ है, वास्तविकता आएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। 5 साल उनको समय मिला था, बहुत बड़ा जनादेश मिला था और 5 साल में ही वो सरकार से आउट हो गए। अगर अच्छा काम किए होते तो यहाँ की जनता उनको दोबारा सरकार में बैठाई, तो उनको मतलब आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है। और साय आज दुर्ग के दौरे पर रहे, सीएम ने दुर्ग को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी दी। 23 करोड़ के विकास कार्यों को सीएम ने भूमि पूजन किया। सीएम का दुर्ग पहुंचने पर जोरदार स्वागत। सीएम ने रोड शो करते हुए प्राचीन चंडी मंदिर भी वो पहुंचे और माता चंडिका का आशीर्वाद लिया। सीएम के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद रहे। सीएम साय यहां ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में भी शामिल। खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के माध्यम से के जीवन के स्तर में भी खेल के माध्यम से और दुर्ग में सीएम के काफिले की गाड़ियां जा टकराए हैं। सीएम के काफिले की 2 गाड़ियां आपस में ही टकरा गईं। गाय को बचाने के चक्कर में बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ है। दुर्ग जिला अस्पताल के सामने यह हादसा हुआ, गाय को बचाने की कोशिश में और सीएम के काफिले की 2 गाड़ियां आपस में ही टकरा गईं। दुर्ग जिला अस्पताल के सामने ही ये हादसा पेश आया है। सीएम का काफिला गुजर रहा था, तभी एक गाय को बचाने की कोशिश में 2 गाड़ियां आपस में ही टकरा गई काफिले की। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने यात्रा की शुरुआत सतनामी समाज के पवित्र स्थल बलौदा बाजार के गिरौदपुरी से हो गई है। इस दौरान पीसीसी चीफ ने कहा कि यात्रा सरकार के कुशासन के खिलाफ है। हम प्रदेश में फैले अत्याचार के खिलाफ लोगों के बीच जाएंगे। लोग 10 महीने में ही सरकार के कार्यकाल से त्रस्त हो चुके हैं। बैज ने शिवरी नारायण पहुंचकर भगवान श्री राम और मां शबरी के दर्शन कर आशीर्वाद मांगा। यात्रा के दौरान बैज बलौदा बाजार, आगजनी, अमर गुफा, जैतखाम विवाद, विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी और कवर्धा कांड जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी जनता को बताएंगे। 27 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर रही है और ये हमारा गिरौदपुरी से लेकर रायपुर तक हमारा न्याय यात्रा रहेगा, छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा। इसका मकसद है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में वर्तमान 9 महीने की सरकार में पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को इन्होंने बर्बाद कर दिया लगातार। कांग्रेस की न्याय यात्रा पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 5 साल में अपनी सरकार के दौरान प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया है। कांग्रेस को न्याय यात्रा की जगह माफी यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस की पिछली सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया, ठगने का काम किया, अन्याय करने का काम उन्होंने किया है। एक तो कांग्रेस पार्टी हमेशा देश और प्रदेश के साथ अन्याय करने का काम उन्होंने किया है, धोखा देने का काम किया है, ठगने का काम किया है। पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी, सरकार के समय जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया, तो उन्हें तो न्याय यात्रा के बजाय माफी यात्रा निकालनी चाहिए। वहीं गरियाबंद में दंतैल हाथी ने ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। हाई अलर्ट के बाद भी हाथी की चपेट में ग्रामीण आ गया। घटना के बाद तीनों दंतैल हाथी महासमुंद की तरफ चले गए। वहीं इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। और छत्तीसगढ़ की खबरों के बीच खबर उज्जैन से है, जहां तेज बारिश से एक दीवार धराशायी हो गई। महाकाल मंदिर के पास ये दीवार गिरी है। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। उज्जैन एसपी ने मौत की पुष्टि की है।
चार नंबर गेट के पास यह हादसा पेश आया है। उज्जैन में तेज बारिश की वजह से एक दीवार धराशायी हो गई और उस दीवार के गिरने से दो लोगों की जान भी चली गई है। उज्जैन एसपी ने दो लोगों की मौत की पुष्टि भी की है। चार नंबर गेट के सामने यह हादसा पेश आया। तो जबरदस्त बारिश के बाद यह हादसा पेश आया है। एक दीवार धराशायी हो गई और उसमें दो लोगों की जान चली गई है। मामला उज्जैन का है। तो लगातार हुई बारिश के बाद सड़क नदी में तब्दील होती हुई नजर आई उज्जैन में।